Good morning, student. Welcome to ABN online classes. Today we'll be discuss numerical question 19 in chapter 5th. आज जो हमारा discussion topic है वो numerical question 19 है. उससे related कुछ थोड़ा सा theory है वो आपको doubt clear कर देता हूँ. जो question number 19 है वो है issue of debenture का जो हमने एक chart बनाया था उसके अंदर एक topic था issue of debenture terms in redemption. यानी आप जो इश्यू ऑफ रिडम्पशन्स हो इश्यू ऑफ डिबेंचर होंगे वो टर्म्स रिडम्पशन्स के अकॉर्डिंग होंगे, यानी उनका रिडेम किस अकॉर्डिंग होगा उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन पहले से होगी. तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मेट बनता है कि इश्यू कैसे हो सकते हैं. तो इश्यू थ्री टाइप्स, एट पर, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट. ऐसे रिडेम रिडेम्पशन्स कैसे हो सकता है? पर, प्रीमियम और डिस्काउंट. ऐसे कितने कॉलम्स, कितने मेथड क्लियर होते हैं? 9 मेथड्स. ओके, 9 मेथड इस तरीके से अपने क्लियर होते हैं. 9 मेथड्स में याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इश्यू करना आना चाहिए एट पर, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट. एट पर यानी एक्चुअल वैल्यू पर, एट प्रीमियम इट मींस एक्चुअल वैल्यू से कुछ एक्सेस, डिस्काउंट इट मींस एक्चुअल वैल्यू से कम पर. ऐसे रिडेम रिडेम कैसे हो सकता है? पर, प्रीमियम एंड डिस्काउंट. यानी आप उसको जब वापस करोगे पैसा तो आप क्या देख सकते हो? जितना है उतना ही एट पर, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से एक्सेस, फेस वैल्यू से कम पर. तो जो पर रिडेम होता है वो कोई आपको इफेक्ट नहीं करता, तो कोई इफेक्ट नहीं करता तो क्रॉस. डिस्काउंट भी कोई इफेक्ट नहीं करता, क्रॉस. इफेक्ट कौन करेगा? सिर्फ प्रीमियम. और प्रीमियम क्या इफेक्ट करेगा? जो आपकी सेकेंड एंट्री है उसमें दो नाम डलवा देगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और एक आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. ऐसे दो जो नाम है वो नए आएंगे. जब रिडेम्ड किस पर होगा? प्रीमियम पर होगा. जब रिडेम्ड किस पर होगा? प्रीमियम पे. अदरवाइज पर है या डिस्काउंट पर है तो कोई हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, सिर्फ हमें तो क्या करना है? इश्यू करना है. और इश्यू एट पर है तो पर की एंट्री, प्रीमियम है तो प्रीमियम, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट. इस मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो इश्यू का मेथड रहेगा वो लमसम मेथड रहेगा, यानी सिर्फ एंट्री कितनी होने वाली है? 2 एंट्रीज. आपका इंस्टॉलमेंट नहीं होगा. ओके, इसके अकॉर्डिंग हम अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 19 देखिए. क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में 6 टॉपिक हैं. उन 6 टॉपिक्स में से कुछ मैं करता हूं और कुछ आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेंगे. ओके स्टूडेंट, तो उसमें से देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें से कुछ क्वेश्चन जो मैं करने वाला हूं उसको मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं. क्वेश्चन है, गिव नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर इन द फ्लोइंग केसेस. आपको जनरल एंट्री करनी है फ्लोइंग केसेस पर. और वो जनरल एंट्री क्या है? ए कंपनी इश्यू 1000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पर. एक कंपनी 1000 डिबेंचर इश्यू करती है एट पर, रिडेमेबल एट पर. और उसका रिडेमेबल भी क्या है? एट पर. रिडेमेबल एट पर है, इट मींस रिडेमेबल तो इसको इफेक्ट करेगा नहीं. आपको इश्यू करना, और इश्यू किस पे करना है? पर तो ओरली एंट्री हो जाएगी, तो मैं आपको बोल देता हूँ आप कर लेना. बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1 लाख, 1000 को 100 से मल्टीप्लाई किया
और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 12% डिबेंचर कितना लाख 1 लाख और हो गई एंट्री एट पर की, तो ये एंट्री होती है, यानी इसमें कोई इफेक्ट है ही नहीं, सीधा सिंपल क्वेश्चन था। पॉइंट नंबर सेकंड, एक कंपनी इश्यू 2008% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट 10% रिडीमेबल एट पर। इस क्वेश्चन को मैं करके बता देता हूं, क्योंकि डिस्काउंट है, आपने प्रीमियम तो फिर भी शेयर्स में पढ़ा है, डिस्काउंट नया टॉपिक है, तो डिस्काउंट पर इश्यू है लेकिन रिडेम किस पर है, एट पर, इट मींस कोई इफेक्ट नहीं होगा एट पर वाला, तो बस आपको इश्यू करना है किस पर, डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट पर इश्यू करते हैं तो एंट्री क्या हो जाती है, बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और सेकेंड एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर टू डिबेंचर। यहां डिबेंचर के आगे परसेंटेज लगाना चाहो तो परसेंटेज निकाल सकते हो, जैसे 8% डिबेंचर तो कितना आ जाएगा 8%, जहां भी डिबेंचर का नाम है वहां 8% आ सकता है 8%। ओके, अब अमाउंट देखो, डिस्काउंट पर इश्यू है, डिस्काउंट पर इश्यू है, इट मींस क्या होगा, आपका जो 2000 डिबेंचर है 100 रुपीज का, वो 10% डिस्काउंट पे, यानी कितने रुपए मिलेंगे 90 रुपीज, 90 रुपीज से मल्टीप्लाई करो 2000 को, 1,80,000 डिस्काउंट लेस हो गया, नीचे भी डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर सेम आ जाएगा 180, डिस्काउंट कितना है 10 रुपीज 2000 पे, तो कितना हो जाएगा 20,000, ऐसे डिबेंचर क्या कितने आ जाएंगे 2 लाख, और क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट, कोई भी इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट नहीं है तो प्रॉब्लम है। सर ये पहले वाली एंट्री के अंदर 2 लाख नहीं आएगा क्या, 1,80,000 आएगा क्या? हाँ 1,80,000 आएगा बेटा, देखो डिस्काउंट है तो डिस्काउंट रिसीव नहीं होगा ना, तो डिस्काउंट तो हम लेस करेंगे, डिस्काउंट कितना परसेंट है 10%, अब 10% डिस्काउंट 100 पे 10%, इट मींस शेयर्स कितने का हो गया 90, 100 10 लेस हो गया 90, तो रुपए तो आपको 90 के हिसाब से मिलेंगे, तो 90 के हिसाब से 2000 पे कितना मिलेगा 1,80,000 आया, यस सर, क्योंकि 1,80,000, अब देखो नीचे डिस्काउंट आपने अलग से शो किया ना 20,000, टोटल डिबेंचर 2 लाख, 2 लाख का डिबेंचर 20,000 डिस्काउंट और 180 आपको रिसीव है, और एट पर पे रिडेम्ड है तो कोई इफेक्ट करेगा नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। टॉपिक नंबर थर्ड, एक कंपनी इशू 5,007% डिबेंचर 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट पर, फिर रिडीमेबल एट पर है तो रिडेम तो आपको इफेक्ट करेगा नहीं, आपको तो डिबेंचर इश्यू करने हैं वो भी प्रीमियम पर, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 5000 किससे मल्टीप्लाई होगा 105 से, क्योंकि प्रीमियम है प्लस हो गए, 105 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5,25,000, 5,25,000, और नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, एप्लीकेशन के आगे आएगा 5,25,000, डिबेंचर के आगे 5 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम के आगे 25,000, कर दिया प्रीमियम को अलग जैसे शेयर्स में करते थे, तो इसको कराने की जरूरत है, हो जाएगा नो सर। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ टॉपिक नंबर फोर्थ, टॉपिक नंबर फोर्थ देखते हैं, टॉपिक नंबर फोर देखो,
ए कंपनी इश्यू 3007% डिबेंचर 100 ईच एट पर पे, रिडेम्ड एट 5% प्रीमियम. रिडेम्ड है 5% प्रीमियम पे, तो क्या इफेक्ट करेगा? इफेक्ट करेगा. और ये दो लाइनें डलने वाली है सेकंड एंट्री में, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम और रिडेम्स ऑन डिबेंचर. लेकिन इसको मैं बाद में डालूंगा, पहले मैं मेरी एंट्रीज बोलता हूँ क्या होगी. एट पर पे इश्यू है तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितना मिलेगा? 3 लाख. एट पर के अकॉर्डिंग डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू डिबेंचर कितना होगा? 3 लाख. ये तो एट पर पे ये इश्यू हो गया 3 लाख. 3 लाख क्यों मैंने बीच में गैप क्यों छोड़ा है? क्योंकि मुझे पता है कितनी एंट्री डालनी है, दो एंट्री डालनी है, क्योंकि एट पर पे है, एट प्रीमियम पे है, तो डाल दो. एंट्री क्या होगी? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर. और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. दो लाइनें डल गए क्योंकि किस पे है? प्रीमियम पे रिडेम्प्ट है. कितना परसेंट प्रीमियम पे रिडेम्प्ट है? तो प्रीमियम पे रिडेम्प्ट है आपका 5%. तो 3 लाख का 5% निकाल लो कितना होगा? 15,000. तो 15,000 डीआर में और 15,000 सीआर में और एंट्री कंप्लीट. यानी करना क्या है? पहले इश्यू कर दो. एड पर है तो एड पर, एड प्रीमियम है तो एड प्रीमियम पर, एड डिस्काउंट है तो एड डिस्काउंट पर. पहले इश्यू, फिर रिडेम को देखो. रिडेम्ड एड पर है एज इट इज छोड़ दो, एड डिस्काउंट पर है एज इट इज छोड़ दो, एड प्रीमियम पे है तो सेकंड एंट्री में दो लाइनें डाल दो. लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम और रिडम्स ऑन डिबेंचर. जैसे मेरा क्वेश्चन था एड पर और फिर प्रीमियम पे रिडम, तो मैंने पहले तो एड पर की एंट्री की 3 लाख, 3 लाख, फिर दो लाइनें डाल दी. ओके, इस तरीके से करना है, आसानी से हो जाएगा. एक साथ बोल सको तो एक साथ बोल सकते हो. जैसे 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर टू डिबेंचर टू प्रीमियम और रिडम्स ऑन डिबेंचर. अगर कंफ्यूजन हो तो पहले आप तो इश्यू कर दो और फिर दो लाइनें डाल दो. ओके, नेक्स्ट देखो. एक क्वेश्चन और करवा देता हूं इससे रिलेटेड, पॉइंट नंबर 5th. देखो पॉइंट नंबर 5th. एक कंपनी इशूड 4008% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट 2%. डिस्काउंट पे इश्यू है, रिडेम्ड एट प्रीमियम. तो डिस्काउंट पर इश्यू है, रिडेम्ड प्रीमियम पे है. इट मींस सेकंड एंट्री इफेक्टेबल है क्योंकि रिडेम्ड प्रीमियम पे है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो एंट्री करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिस्काउंट की. डिस्काउंट पे इश्यू तो करो, तो पहले हम इश्यू की एंट्री कर लेते हैं. तो इश्यू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सेकंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर टू डिबेंचर. ये कंप्लेंट एंट्री हो गई अपने डिस्काउंट को लेकर. कितना परसेंट है? 4000 डिबेंचर 100 ईच का 2% डिस्काउंट पर, यानी इश्यू होगा 98 पर. 98 पर इश्यू करेंगे तो कितना आएगा? 3,92,000 रिसीव्ड. 98 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 4 से. 4,000 3,92,000 डिस्काउंट कितना हो गया? 2 रुपीज के हिसाब से 8,000. डिबेंचर कितने का हो गया? 4 लाख. ये तो डिस्काउंट पर इश्यू हो गया, 4% डिस्काउंट
सॉरी 2% डिस्काउंट, तो 98 रुपीज से मल्टीप्लाई किया 4000 को, 3,92,000, 3,92,000 अप्लीकेशन से अलॉटमेंट सेम, डिस्काउंट कितना है 2 रुपीज, तो 4000 पे 2 रुपीज के हिसाब से 8000 और 2 डिबेंचर 4 लाख। अब रिडेम किस पर है, प्रीमियम पर, 2 लाइनें डाल देते हैं, पहले से मैंने देखो गैप रखा है, आप भी ऐसे गैप रख लेना। लाइन क्या आएगी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना है प्रीमियम, तो प्रीमियम है 6%, तो 6% डिबेंचर है 4 लाख का, 6% कितना हो जाएगा 24,000, 24, 24, और क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीट। बोलो इसमें कोई डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, डाउट हो तो पूछ लेना पूर्वी। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6 है, एक कंपनी इश्यू 5,007% डिबेंचर 100 ईच एट डिस्काउंट एट प्रीमियम 5%, प्रीमियम 5% पे है, रिडीमेबल एट 6% प्रीमियम, प्रीमियम पे इश्यू, प्रीमियम पे ही रिडेम, तो पहले प्रीमियम को इश्यू कर देते हैं, एंट्री क्या कर देना, बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना थाउजेंड आएगा 5,25,000, दूसरी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5,25,000, डिबेंचर क्या 5 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या 25,000, ये तो एंट्री हो गई प्रीमियम। अब डाल दो इसके अंदर रिडेम्ड के अकाउंट, जो रिडेम्ड प्रीमियम पे है, तो 2 लाइनें, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना परसेंट 6%, तो 6% कितना हुआ 5 लाख का 30,000, दोनों एंट्री 30,000 से हो जाए और क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सर ये लॉस वाली एंट्री तब होती है क्या जब ना प्रीमियम के ऊपर रिडेम होता है? बिल्कुल है, लॉस वाली एंट्री तब होगी जब रिडेम्ड प्रीमियम पर होगा, यानी अगला ये बोलता है कि मैं रिडेम्ड प्रीमियम पे करूंगा, यानी आपको पैसा ज्यादा देने वाला हूं, ज्यादा देने वाला हूं तो हमें लॉस होने वाला है, लॉस होने वाला है तो लॉस की एंट्री होगी, और एंट्री क्या होगी, ये सेकंड एंट्री में 2 नाम डालेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसी टाइम डालेंगे जब आपका रिडेम्पशन किस पर होगा प्रीमियम पर होगा, रिडेम्ड किस पर होगा प्रीमियम पे, अदरवाइज नहीं डलेगी ये लाइन। और पूछो, और कोई डाउट है तो पूछो कोई, नहीं तो क्वेश्चन नंबर अपना जो 19 है वो कंप्लीट। नेक्स्ट नहीं और डाउट, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ रिया, आज लेट है क्लास में आप, नेट नहीं था। अच्छा अच्छा, जब मुझे एक क्वेश्चन हो गया उसके बाद आप ऑन आए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर जो 20 है अपना, उसमें देखो आपको पहले मैं ऑरली बता देता हूं उसका होगा क्या। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो है आपका इंटरेस्ट का, किस चीज का है, इंटरेस्ट का, कि इंटरेस्ट डिबेंचर पर हम कैसे लगाएंगे, तो इंटरेस्ट कैसे लगता है, तो इंटरेस्ट तो हमारे लिए एक तो एक्सपेंसेस होता है, तो उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डीआर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डीआर। अगर बाय द वे उस पर टीडीएस काटना हो तो क्या लिखेंगे, 2 TDS, क्या कट जाएगा 2 TDS, और बाकी होल्डर्स को दे दोगे, यानी एंट्री कुछ इस तरीके से होगी। अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना होता है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डीआर,
बाय द वे टैक्स डेडिकेटेड एट सोर्स, अगर आपको इसमें कटिंग करना है तो एंट्री होगी टू टीडीएस, इसमें टू टीडीएस आ जाएगा, टैक्स डेडिकेटेड एट सोर्स और फिर टू डिबेंचर होल्डर। टू डिबेंचर होल्डर्स, ये एंट्री होती है डिबेंचर पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाने की। प्रोवाइड करवाना यानी हमें पता था कि शेयर्स पर हम प्रोवाइड क्या कराते हैं, डिविडेंड, जबकि डिबेंचर पे हम प्रोवाइड क्या कराते हैं, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाने की, ड्यू करने की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डीआर। बाय द वे टीडीएस नहीं है तो सारा का सारा पैसा होल्डर्स को दे दो, और टीडीएस है, टैक्स काटना है तो पहले टैक्स काटो, टीडीएस, और फिर होल्डर्स को पे कर दो, होल्डर्स में डाल दो, यानी ये होल्डर को दे देंगे। और अब इसको पे करने की क्या होगी, तो पहले तो टीडीएस यानी टैक्स जमा करा दो गवर्नमेंट में, टीडीएस अकाउंट डीआर टू बैंक। टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, टैक्स डेडिकेटेड एट सोर्स, टैक्स डेडिकेटेड एट सोर्स, और फिर होल्डर को पेमेंट कर दो, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू बैंक। ये इंट्रीज होती हैं, पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर इंटरेस्ट का पेमेंट हो जाएगा, टीडीएस कट जाएगा, होल्डर्स कट जाएगा, ओके। और जब जैसे ईयर एंड आ जाएगा, ईयर एंड होते ही आपको ये जो प्रीमियम है, जो इंटरेस्ट है, सारा का सारा इंटरेस्ट किसमें ट्रांसफर करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसकी एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये एंट्रीज होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो ये आपका इंटरेस्ट के लिए की एंट्री है, इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करवाना होता है डिबेंचर पे, वो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, एंट्री सेम है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डीआर। बाय द वे टैक्स डेडिकेट करना है तो टू टीडीएस, और बाकी होल्डर्स को पे कर दो, डिबेंचर होल्डर्स में डाल दो, फिर आप टीडीएस को पे करो, टीडीएस अकाउंट डीआर टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डीआर टू बैंक, और सारा का सारा पैसा लास्ट के साल की लास्ट में स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दो, ओके। इसको लेके जो क्वेश्चन हमारा है 20 का, उसको पढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि आज हमारा टारगेट है इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट कर दें। देखो क्वेश्चन है, राकेश लिमिटेड ऑफर्ड टू पब्लिक 12% डिबेंचर ऑफ 8,00,000 ईच, वुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन अप्लीकेशन ऑन और बिफोर 1 मई 2016। As per term of issue, debenture interest was payable half yearly based on 30 September and 31st March. आपको half yearly payment करना है interest पर 30 September and 31st March. After deducting income tax at the rate of 10%. After deducting income tax, यानी TDS काटना है कितना percent? 10%. Public offered to purchase 8,000 debenture. Public ने 8,000 debenture के लिए ऑफर किया, 8,000 डिबेंचर का मतलब है 8,00,000, 100 रुपए का डिबेंचर है। कंपनी मेड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर ऑन 1 जून 2016, कंपनी ने 1 जून को सबको डिबेंचर दे दिए, कब दिए, 1 जून को, 1 जून। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, पेमेंट डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन ईयर 2016 एंड ट्रांसफर इट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ट्रांसफर की भी एंट्री करनी है। तो पहली एंट्री आप कब इंटरेस्ट की एंट्री पूछिए, किस डेज को दोगे, 30 सितंबर। एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डीआर टू टीडीएस टू डिबेंचर होल्डर। अब इंटरेस्ट कितने मंथ का निकालना है, आपने डिबेंचर किस डेट को दिए हैं पब्लिक में, 1 जून को, तो 1 जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 30 सितंबर, तो कितने मंथ हो गए, 4 मंथ हो गए, तो 4 मंथ का निकाल लो, कितना हो जाएगा, 8,00,000। कितना परसेंट डिबेंचर है, 12% डिबेंचर इनटू कितना मंथ्स है, 4 मंथ्स,
32,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो ये 32,000 से हो जाएगी। टीडीएस कितना काटना है 10%, तो 32,000 इंटरेस्ट है उस पर 10% टीडीएस काट दो 3,200, तो होल्डर को कितना देंगे, बचा हुआ होल्डर को दे दो 28,800, ये होल्डर को पे कर दिया। फिर इसको पेमेंट की एंट्री कर दो, टीडीएस अकाउंट डीआर टू बैंक 3,200, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डीआर टू बैंक 28,800 और एंट्री हो गई 30 सितंबर 2016 की, इंटरेस्ट ड्यू टीडीएस का पे होल्डर को पे। फोर मंथ क्यों आया, आपने फर्स्ट जून को होल्डर्स को दिए थे डिबेंचर, फर्स्ट जून को दिए तो आपका ब्याज भी फर्स्ट जून से स्टार्ट हो गया। फर्स्ट जून से लेके कहां तक चलेगा 30 सितंबर तक। अब किस डेट को आपको इंटरेस्ट देना है, 31 मार्च, देखो 31 मार्च का करते हैं, तो मैं एंट्री यही यूज ले लूंगा, आप उसको वापस रिपीट करेंगे, ठीक है ना, मैं इसको यही यूज यही कर लूंगा इनको। तो अब डेट चेंज होके हो जाएगी 31 मार्च 2017, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डीआर टू टीडीएस टू डिबेंचर होल्डर। अब कितने मंथ्स है, अभी भी आपने 30 सितंबर को इंटरेस्ट दिया था, उसके बाद 31 मार्च को दे रहे हो, कितने मंथ्स बाद, सितंबर के बाद में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, सिक्स्थ मंथ, तो सिक्स्थ मंथ का इंटरेस्ट निकाल लो 8 लाख इंटू 12/100 इंटू 6/12 जीरो से जीरो 12 से 12 48,000, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 48,000, टीडीएस काट दो कितना 4,800, होल्डर में डाल दो 43,200, टीडीएस का पे कर दो 4,800 और होल्डर को पे कर दो 43,200, ये होल्डर को पे हो गया। ओके, अब ईयर हो गया कंप्लीट, ईयर कंप्लीट हो गया तो अब वो वाली एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इसके जस्ट नीचे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना दिया है, 32,000 तो सितंबर को दिया था, 48,000 31 मार्च को दिया है, टोटल इंटरेस्ट दिया है 80,000, तो 80,000 से एंट्री हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट, इंटरेस्ट कंप्लीट, बोलो इंटरेस्ट को लेकर कोई डाउट है तो, यहाँ 3 मंथ्स का देता तो 3 मंथ्स के निकल जाते, 6 मंथ का दे तो 6 मंथ का निकल जाएगा, बस पहला जो इंटरेस्ट है उसको थोड़ा सा आप क्लियरली रखना, क्योंकि पहला जो इंटरेस्ट है उसमें मंथ्स चेंज हो सकते हैं। कैसे चेंज हो सकते हैं, देखो 1 जून को उसने इश्यू किया और 30 सितंबर को ही वो इंटरेस्ट की डेट आ गई, तो 4 महीने हुए, तो 4 महीने का लगेगा, अगली बार तो बाद 6-6 महीने चलेगा ऐसे, बस पहले वाला थोड़ा सा ध्यान से देखना। ऐसे इसका एग्जाम्पल तो एकदम सीधा है, 6 मंथ ही हैं दोनों में, 1 अप्रैल को इश्यू कर देता है तो 30 सितंबर 6 मंथ, 31 मार्च 6 मंथ, दोनों 6 मंथ के। पूछो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में कोई डाउट, कंप्लीट, तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंप्लीट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इसके अंदर, वो नेक्स्ट टॉपिक है रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ है क्या चीजें। तो इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट ऑन डिबेंचर क्या है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जब हम हमारे डिबेंचर को इश्यू करते हैं डिस्काउंट पर, तो उसे कहते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू किस पर होने, डिस्काउंट पर। अब डिस्काउंट पर इश्यू होता है तो कंपनी का रूल होता है कि इसको जब रिडेम्ड करोगे तो रिडेम्ड करने से पहले इस डिस्काउंट को बुक से क्या करो, रिटर्न ऑफ करो। रिटर्न ऑफ का मतलब बुक से साफ करो। डिस्काउंट कहाँ आता है बुक्स में, डिस्काउंट आता है बुक्स में बैलेंस शीट के एसेट साइड में, करंट एसेट्स जो आता है उसमें एक टॉपिक आता है अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स का पार्ट है
डिस्काउंट ओनरशिप ऑफ डिबेंचर। अब वहां से इसको अलग करना है क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट्स हैं। अब इसको अलग करना है तो इसको रिटर्न ऑफ करने की एक सिंगल एंट्री होती है, सिर्फ एक सिंगल एंट्री, और उस एंट्री का नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अभी मैं लिखा दूंगा, एक बार ऑलरेडी बताता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये सिंगल एंट्री। लेकिन ये फर्स्ट ईयर ही नहीं होती, ये टुकड़ों में होती है, यानी हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा जाता है इसमें से रिटर्न ऑफ करने के लिए। अब वो थोड़ा पैसा जाएगा कैसे, तो उसके दो मेथड है, टू मेथड्स। फर्स्ट है आपके डिबेंचर रिडेम्ड हो इंस्टॉलमेंट में, डिबेंचर रिडेम्ड होंगे इंस्टॉलमेंट में, इट मींस है कि आपको इंस्टॉलमेंट है तो आपके जो डिबेंचर्स है उनकी अमाउंट का आपको क्या निकालना होगा, रेशियो, एक रेशियो निकालना होगा, उस रेशियो में डिस्काउंट को डिवाइड करना होगा। और सेकेंड है रिडेम्ड आप एक फिक्स ईयर के आफ्टर फिक्स ईयर, एक फिक्स ईयर के बाद करो तो आपको क्या करना है, उस डिस्काउंट में उतने ईयर्स का क्या दे देना है, डिवाइडेशन दे देना, ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा और ओरली इसको मैं बोर्ड पे आपको क्लियर करता हूं क्या चीज है कैसे है। देखो इसके बाद ये जो चैप्टर है वो अपना क्लियर है, खत्म। ओम शांति। देखो कैसे चलेगा, क्वेश्चन नंबर 21, आपको रिटर्न ऑफ करना है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, मैंने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर साइड में, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर साइड में लिख देता हूं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसको रिटर्न ऑफ करते तो इसके लिए एंट्री क्या बोली है, तो इसके लिए एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, यानी एंट्री ये होती है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये इसको कंप्लीट करने की एंट्री होती है, रिटर्न ऑफ करने की एंट्री होती है। अब ये अमाउंट जो है वो दो मेथड से निकल सकती है, एक तो है जब आपका डिबेंचर इंस्टॉलमेंट में किस्तों में आप रिडेम करोगे तो आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, और यदि आपका डिबेंचर ऐसे कहते कि 5 साल बाद आपका डिबेंचर रिडेम होगा तो जैसे आपकी डिस्काउंट की अमाउंट है 10,00,000, 5 ईयर के बाद रिडेम्ड होगा तो 5 पर डिवाइडेशन दे दो, हर साल कितना करना है 2000 के लिए एंट्री हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 2000 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5 ईयर, और हो गया 10,000 का रिडेम। यदि आपका जो डिबेंचर है इंस्टॉलमेंट में हो, इंस्टॉलमेंट का मतलब है अगर आपका डिबेंचर हो जैसे 4 लाख का है, हर साल आप 1 लाख का रिडेम करते हो तो 4 लाख, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख, तो रेशियो क्या आएगा 4-3-2-1, इस 4-3-2-1 में 10,000 को बांट दो, यानी फर्स्ट साल 4,000, फिर 3,000, फिर 2,000, फिर 1,000 और रेशियो जाएगा। ओके, इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21, वो इंस्टॉलमेंट को लेके है, उसको देखो कैसे क्या बोलता है। जेड इश्यूड 5,012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%। जेड लिमिटेड इश्यू करता है 5,000 डिबेंचर जो 100 रुपए का है एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%, 4 रुपए पर। 1 अप्रैल 2015 द डिबेंचर वर रीपेबल बाय एनुअली ड्रॉविंग्स 1 लाख। जो डिबेंचर है वो एनुअली रिडेम्ड होते हैं 1 लाख के, लेकिन स्टार्टिंग कब होता है 31 मार्च 2017 से। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर एंड आल्सो प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन
डिबेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी, आपको ये बताना है हर साल रिडेम कितना होगा। तो आपका जो डिबेंचर है वो इश्यू हो रहा है इंस्टॉलमेंट पे, तो पहले तो वो इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। तो आपका इश्यू कब हुआ था डिबेंचर, 2015 में। तो आपका जो ईयर बनता है वो ऐसे बनता है 1516, ओके। अगला 1670, अगला 1718, ऐसे बनता जाएगा। नेक्स्ट है हमने लिखना है बैलेंस ऑफ डिबेंचर, बैलेंस कितना है। तो 1516 में आपका डिबेंचर है कितने का, 100 रुपीज, 5000 यानी 5 लाख। क्या 1516 में इसका रिडेम्ड हुआ था, 17 से रिडेम्ड हुआ है, तो 1516 में रिडेम्ड नहीं हुआ, तो 5 लाख का 5 लाख एज इट इज नीचे। फिर क्या रिडेम्ड हुआ है, तो 17 लाख में रिडेम्ड हुआ है 1 लाख, और बोला हर साल 1 लाख, तो कितना हो जाएगा 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 और फिर खत्म। तो ईयर हो जाएगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। इसी का रेशियो निकाल लो, रेशियो क्या हो जाएगा, कॉमन जीरो सारे एक दूसरे से कट हो जाएंगे, तो रेशियो आएगा 5, 5, 4, 3, 2, 1, टोटल 20। इस रेशियो में आपको डिस्काउंट को डिवाइड करना है, रिटर्न ऑफ अमाउंट कितना है डिस्काउंट, तो 5000 डिबेंचर 4 रुपीज के हिसाब से, यानी डिस्काउंट है 20,000 का, 5000 डिबेंचर था 4 रुपए डिस्काउंट था, 20,000 के अकॉर्डिंग रिटर्न ऑफ कर दो, 20,000 5/20 इट मींस कितना आ जाएगा 5000। तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा, पता चल गया 20 से 21 आ गया, तो 1 को 5 से गया तो 5, फिर 5 से गया तो वापस 5000, 4 से करेंगे तो 4000, 3 से करेंगे तो 3000, 2 से करेंगे तो 2000, 1 से करेंगे तो 1000, ऐसे, ठीक है। ये आपकी रिटर्न ऑफ अमाउंट आ गई। तो ये तो रिटर्न ऑफ जब आप इंस्टॉलमेंट में करोगे, और उसके बाद आपको एक क्या बोला, अगले ने अकाउंट बनाओ, तो अकाउंट आप बना देना। मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ कैसे है, क्योंकि नेक्स्ट पीरियड आने वाला है। तो देखो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का जब अकाउंट बनाओगे, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डेट पर्टिकुलर LFDR अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF सॉरी और अमाउंट, ऐसे लिख देना। लिखने के बाद डिस्काउंट क्या होता है DR, तो सबसे पहले आप 1 अप्रैल 2015 को DR में लिखना, टू डिबेंचर कितना थाउजेंड, 20,000, और फिर 5000 प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से ले जाना, किस साइड, CR साइड, क्योंकि डिस्काउंट CR होता है ना, तो यहाँ CR चला जाएगा। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 5000, बैलेंस निकालना, बैलेंस को ट्रांसफर करना, और पहले साल 5, दूसरे साल 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और आपका लास्ट ईयर में ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको करते जाओ, आपका आसानी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो इसका मैं जो डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर है उसका अकाउंट आपको पिक भेज दूंगा कि अकाउंट कैसे बनता, तो आप इसको करें। ओके, आज के लिए काफ़ी, बाय। कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई।